अपने मन को रिलैक्स करने के लिए, अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, या विचारों को कम से कम अपने मन के अंदर आने के लिए, जिससे कि आपका मन और शरीर दोनों ही रिलैक्स हो जाए, आपको कोई भी ऐसा टेक्निक, कोई भी ऐसा प्रोसेस बाहर से नहीं मिलता है जिससे आप इसको सही कर सकते हैं। क्योंकि सभी के सभी टेक्निक, सारे के सारे तरीके आपके मन के अंदर होते हैं, हमें बस उसको समझना होता है कि उसे हम कैसे प्रोसेस करें, उस चीज को कैसे मीनिंगफुल होके, कैसे माइंडफुल होके, कैसे रिलैक्स होके उन चीजों को समझें। जब भी आप श्वास प्रश्वास करते हैं तो श्वास प्रश्वास को भी आप बहुत अच्छे तरीके से माइंडफुल होके उसको बिल्कुल अच्छे से आप देखते रहिए। अगर आप इसमें से भी अगर कुछ बेसिक भी चीजें कर पाते हैं, बिल्कुल बेसिक स्टेज पे भी आप इनकी प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको बहुत ही ज्यादा डीप, बहुत ही ज्यादा एडवांस कुछ भी क्रिया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर बहुत ही सूक्ष्म है और सूक्ष्मता को आपने अगर पकड़ा तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जैसे आप सांस कर ले रहे हैं, आपको महसूस करना है कि आपके नॉस्ट्रल से सांस अंदर जाते हुए, आपके विंड पाइप से जाते हुए आपके लंग्स में जाके एक्सपैंड कर रहा है लंग्स को। इसी तरीके से प्रश्वास एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे उसको वापस लाना है। अगर आपने इसको मीनिंगफुल होके देखा, माइंडफुल होके देखा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि बाहर से जो भी एयर आ रहा है अंदर, वो आपके एनर्जी को बढ़ा रहा है, और अंदर से जो भी टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है उससे आपकी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। बहुत ही रिलैक्स होके बैठे या लेटे हुए आपको इस चीज को करना है। आप लाइफ के किसी भी काम को बिना सोचे अगर करते हैं तो वो मेडिटेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए मेडिटेशन कुछ ऐसी क्रिया है जो कि बैठ के शांत होके नहीं किया जाता है। मेडिटेशन कुछ ऐसी क्रिया है जिसको आप हर वक्त करते हैं। आप चलते फिरते बैठते सोते जागते, जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, वो ध्यान हो ही नहीं सकता।